गाइस हम सिलमपुर आए थे, हिना ने मतलब जो बर्थडे पे ने गिफ्ट किया था, ड्रेस वगैरह जो भी कपड़े करे थे, तो वो हम सिलमपुर आए हैं क्योंकि जो समीर के बर्थडे पे हिना ने गिफ्ट दिया था उसमें साइज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि समीर पहले से मोटे हो गए हैं, अब इनको एक्सल आता है और इनका सर हो गया है क्योंकि ये तो ट्रिपल एक्सल है। तो हम यहाँ चेंज करने आए थे इन भाई की शॉप पर, और इन भाई का एड्रेस अनिस भाई बताएंगे, मुझे नहीं पता, सब जानते हैं, इन्हें बता नहीं यार, बताओ फिर भी बताओ। ब्रह्मपुरी में एस, बस इस तरीके से रूडली बोल रही है, बहुत रूडली बोल रहा है। ये शर्ट ली है इन्होंने और ये जीन्स ली है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच गॉड गिफ्ट देने के लिए। मेरे हस्बैंड तो बोलेंगे नहीं, आपका गिफ्ट पेंडिंग है अभी। अरे मेरे बर्थडे का मुझे मिलेगा। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है टेस्टी चिकन कोरमे से, और ये खाते हैं हिना ब्रेड के साथ, ब्राउन ब्रेड के साथ प्लस चिकन कोरमा। बादशाह खाता है ये रोटी से, तंदूर की रोटी, कोरमा तो इस वाली रोटी से बढ़िया लगता है। हेलो गाइज, वेलकम, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा लव स्टोरी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि लव स्टोरी व्लॉग पार्ट टू कब आएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। असल में हमने सोचा है कि अम्मी को भी इंक्लूड करेंगे इसमें, और आप लोगों को बताइए अम्मी गई हुई है, अभी शादी में गई हुई है, तो वो शायद नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगी। तो हम जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे, आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीक हम अपलोड कर देंगे लव स्टोरी व्लॉग पार्ट टू। तो गाइज हमें जाना था गुड़गांव एम्बियंस मॉल, क्योंकि इनको कुछ मेकअप का सामान लेना था, है ना, क्या लेना था तुम्हें? मेरे को ट्रायल ऑन का ना वो लेना था बेस। और अभी इन्होंने टाइम कर दिया है, मैंने तो इन्होंने पूरे 3 बजा दिए हैं। अगर अभी हमें गुड़गांव जाते हैं तो पहुंचने में लगभग 5 बज जाएंगे, क्या ही कर सकते हैं। इन्होंने तैयार होने पूरे 3 घंटे लगाए, इस बार हद कर दी। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? तो क्यों हुआ इतना टाइम? अगर तुम्हें जब गुड़गांव जाना था, खाना बनाना होता, काम करना होता, अकेली हूँ मैं घर में, कोई बात नहीं। तो इन्होंने 4-5 घंटे मेकअप में बर्बाद कर दिए। झूठ बोल रहे हो, मैंने कुछ मेकअप भी नहीं करा। तो गाइस जैसे बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही हैं लव स्टोरी व्लॉग पार्ट 2 के लिए, तो मैंने सोचा है आज हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे नेहा मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी, इन्होंने मुझे नेहा से मिलवाया था, आज मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ और उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा भी। तो चलते हैं। गाइज हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा खाना खिला देना चाहिए, जब तक यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ा सा कुछ सवाब का काम ही कर लें। ले रहे हो क्या? मेरे बाल खराब हो गए। नहीं नहीं सही है बिल्कुल। हाँ तो गाइज अभी हम बीचों बीच में खड़े हैं कबूतरों के, चारों तरफ कबूतर है। तुम भी कबूतर हो, कौवा हो तुम? कौवा हूँ मैं। और क्या, कितने काली हो मैं? और काली वाली मतलब व्हाइट वाले कौवा हो? व्हाइट तो कौवा ही नहीं होता यार। तुम हो तो गाइस यहाँ पे चील भी है, मैंने पहली बार चील लगाई थी पास से, देख सकते हो आप। कबूतर बुलाओ, कबूतर बुलाने की निंजा टेकिंग देखो। ये कबूतर बुला रहे हैं, ये तो वाली मूवी का है। देखो गाइस वहाँ पे भी है इतने सारे,
और यहाँ पे भी इतने सारे। मैं कबूतर थोड़ी ना हूँ, नहीं मुझे नहीं बनना। मुझे बोल रहे हैं ये खाने के लिए, बताओ मैं क्यों खाऊं, कबूतर थोड़ी ना हूँ मैं। मैंने तो खिला दिया है, सबाब कमा लिया थोड़ा सा, अब हीना भी खिलाएंगी। खिलाना आता है? आओ आओ आओ। बीचों बीच में जाके खिलाओ, बीच में बिल्कुल। नहीं यार, उसने मारा। अरे जाओ ना बीच में जाओ। एक भी कबूतर नहीं आ रहा। तुम जानबूझ के उड़ाओगे तो भागेंगे, जाहिर सी बात। ओ यहाँ पे मुझे लग रहा है लड़ाई हो गई कबूतरों की, देखना क्या हो गया। कबूतर समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या, ये क्या डाल दिया ऐसा यहाँ पे, ऐसा क्या पड़ा है यहाँ पे जो एक के ऊपर एक चढ़े हुए। कोई लड़ाई लड़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहे, क्या डाल दिया पता नहीं क्या डाल दिया। चूहे को तो नहीं पकड़ लिया उन्होंने है। देखना जबकि इधर आंटी ने वो डाला है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे देखो तो आंटी है, कुत्तों से बहुत प्यार करती है लग रहा। तो हम अब जा रहे हैं वापस, चले घर। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे, पहले से काफ़ी चेंज हो गया है सब, वो देख सकते हैं मशीन, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत सारा काम हम हो रहा है यहाँ पे। संडे को कभी मत आना, संडे को ना ही आया तो बढ़िया है, क्योंकि संडे में 200 रुपये का टिकट, मतलब संडे में 100 रुपये का टिकट है, बाकी ट्यूजडे टू सैटरडे 50 रुपये का टिकट है, बाकी आप आएंगे तो 100 रुपये का है टिकट संडे में। और अंदर आके आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा यहाँ का, अब पब्लिक बैठी भी आराम कर रही है, 11 बजे तक रात को खुला रहेगा। इस पहले जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे फुहारे वगैरह ये वर्किंग था, और अब ये देख सकते हैं इसकी क्या हालत हो रखी है। क्यों आए यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब अच्छे से जाल वाल लगा रखे थे पहले, अब तो कुछ भी नहीं है और बेकार हो गया। तो गाइज यहाँ पे हम सेकंड टाइम आए हैं, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो हीना से शायद दूसरी बार मिला था ना, तीसरी बार शायद मिला था, और ये नेहा को भी लेके आई थी, नेहा से मैं फर्स्ट टाइम मिला था। और ये देख सकते हैं आप गिजा का पिरामिड, और ये पता नहीं किसने बनवाया है, इंसान अभी तक इसको ढूंढने में लगा हुआ है आखिर ये बनाया किसने, और ये बना हुआ है लोहे का, देख सकते हैं आप लोहे का ये बना हुआ है, इसकी मिस्ट्री मैंने सोल्व कर दी है, ये लोहे का बना हुआ है, लेकिन इसको किस मकसद से बनाया गया था ये मुझे नहीं पता। तो गाइस ये क्या चीज़ है भाई, बताओ ना क्या है ये, आई डोंट नो, मैंने देखा है पर मुझे नाम याद नहीं। हिस्ट्री नहीं पढ़ी तुमने, भूल गई यार। सेवन वंडर में से एक है ये भी, तो मतलब यार हद है तुम्हें, इतनी मतलब इतनी आसान इतनी इजी चीज नहीं पता क्या है, वैसे ये नाम नहीं पता मुझे, मैंने देखा तो है कहाँ पे है ये भी मुझे पता है। बताना कहाँ पे, ये शायद फ्रांस में ही है, फ्रांस में है ये, स्पेन में है। अरे यार मतलब हद है, ये युगांडा में युगांडा हाँ, और इसका नाम है टावर नाम है मस्जिद का। तो मैंने बोला था मुझे पूरा वर्ल्ड टूर करवाना, इसका मतलब ये नहीं कि लोकल जगह पे लेके आ जाओ, लोकल है ये, मतलब दुनिया के तो मैं 7 अजूबे दिखा रहा हूँ, वो भी एक ही बार में एक ही दिन में, बहुत लोकल ही है ये, हमारा इंडिया में है तो ये लोकल ही फंडा है, ठीक है ना, लेकिन ये अच्छा लग रहा है ना, ये आईफिल टावर है इसको मैं जानता हूँ, इसे तो मैं भी जानती हूँ, उसके टॉप पे बिल्कुल देखो एक चील बैठी है, मुझे दिख रही है ईगल,
आपको दिख रही है? नहीं दिख रही होगी। दिख रही है, कैमरे में दिख रही है। वैसे ही अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे, यहाँ का लोकेशन अच्छा। और मुझे याद अच्छे से जब मैं आया था लास्ट टाइम यहाँ पे, मैंने इसके नीचे की जो धूप थी ना उससे बचने के लिए इसके नीचे क्या कहते हैं सहारा लिया था थोड़ी देर के लिए। हाँ उस दिन बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। बेचारी नेहा वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और क्योंकि वो उसको भूख लग रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ इंसान है उसको भूख लग रही जो बहुत ज्यादा कंजूस था, और तब से मेरा नाम पड़ गया था कंजूस। लेकिन मेरी गलती नहीं थी इसमें, कुछ मिल ही नहीं रहा था यहाँ पे। रहने दो, आपको बाहर से खिलाना चाहिए था ना। बाहर भी कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है ना, मोमोज मिल रहे थे वो मैंने खिलाए थे। तो गाइस लगभग शाम होने ही वाली, कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा हमारे घर में होना चाहिए, मतलब हमारा घर होना चाहिए गार्डन में। कौन से फूल है बताना है नाम? ट्यूलिप्स है ना? हाँ शायद, नहीं वही, कुछ नहीं पता तुमने साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ी। शादी हुई है ना तब से सब कुछ भूल गई हो, सिर्फ तुम याद रहते हो। फिल्मी डायलॉग। और हमारे सामने है इसका क्या नाम है बताओ, क्या नाम है इसका? हाँ पढ़ लिया, बताओ क्या नाम है? कोलोसियम, इटली के शहर रोम के बीच में है। रोम, रोम में है बेसिकली। हाँ ये मैंने भी पढ़ा है रोम में, इसके अंदर गया है, लेकिन आओ चल के देखें। जाने देंगे? हाँ हाँ जाने देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ जाओ, चलो ठीक है आप जाओ, मैं वीडियो बना। तो गाइस यहाँ पे शाम हो चुकी है और पीछे लाइटें जलना स्टार्ट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी मंजिल पे, और अब हमें जाना है ताजमहल। तो मैं अब मैं ताजमहल में घुमाऊंगा, ठीक है ना, वर्ल्ड टूर करा दिया मैंने तुम्हें एक ही दिन में। ऐसे क्यों चल रही हो? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं छिल गया पैर। पैर छिल गए? मैंने आपसे बोला था हील नहीं पहन रही हूँ, चप्पल पहन रही हूँ, लेकिन माने नहीं आपने। तो आपको चप्पल पहन के आने चाहिए था, हील क्यों पहन के आई? आपने बोला था। मैंने बोला था? नहीं बोला था आपने। मैं तो इसलिए बोला था ना, लंबी लग रही हो तो। क्या यार तुमसे हील पहन के नहीं चला जा रहा? चल तो ले रही हूँ लेकिन अपना दर्द हो रहा है। छोटी बच्ची हो क्या? हाँ छोटी बच्ची, देखो शक्ल कहीं भी नहीं है बच्ची वाली, बिल्कुल यही की है ना वो पिक, मैं ऐड कर दूंगा इसमें आप देखना। यार एक बात तो है, सबसे अच्छा ताजमहल ही लग रहा है ना, तो ये इंडिया का है ना। हाँ सही कह रही हो, सबसे बढ़िया लग रहा है ताजमहल, ये वाला भी और जो रियल वाला है उसकी तो बात ही कुछ और है। सही में वो यहाँ पे शाहरुख खान भी है, ये देखो बाएं फैलाए खड़ा है। ये बताओ ये क्या है? नहीं बताओ क्या है? जीसस की मूर्ति लग रही है। जीसस जीसस जीसस। मुझे याद आ गया, देखो यहाँ की हमारी वीडियो, बिल्कुल यहाँ पे जो ये टेबल है ना यहाँ पे हमारी वीडियो, इस पे नहीं बनाई थी, उस वाले पे बनाई थी, उस वाले पे। हाँ वो जो है उधर पीछे की साइड में जो है ना। और वीडियो बनाई किसने थी बताओ? तो गाइस जीना ने वीडियो बनाई थी, नेहा और मेरी, और बहुत अजीब सी वीडियो थी वो। इनको कुछ करना ही नहीं आ रहा था और इस टाइम पे बहुत पतला हुआ करता था और इनको कुछ आता भी नहीं था। हाँ मुझे नहीं आता था इतना, लेकिन नेहा को काफी कुछ आता है पहले से। जिसके लिए तू रो रहा है ना वो तुझसे प्यार नहीं करती है। एक तरफा प्यार पे सिर्फ शायरियां बनती हैं, रिश्ते नहीं। ये सारे झोलम झाल से दूर हूं मैं, इसलिए तो मशहूर हूं। और गाइस ये बैठने की जगह है, यहाँ पे अगर कोई थक जाए तो बैठ सकता है। मेरे से चम्मी डांस कर लेती है, तू ग्रीन हो गया, बस म्यूजिक की जरूरत है। हाँ और तुम बड़ी भयानक लग रही हो सही।
और गाइज वो वीडियो बिल्कुल यही की है, बिल्कुल सेम। दिखाना एक बार और, फुल भरम दिखाओ। हाँ दिखाओ। ऐसे ही भरम दिखाया था कुछ उन्होंने उस दिन। यार इतना महंगा टिकट है 200 रुपये का, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो फर्स्ट टाइम आता है उसके लिए तो थोड़ा ठीक भी है, हम सेकंड टाइम आए ना इसलिए हमें और अच्छा नहीं लग रहा। और गाइज मेरा यहाँ पे हीना ने फोटो भी खींचा था, मुझे याद आ गया। अब तुम्हारी भी ना इनकी हीना की मैंने खींची थी यहाँ पे एक पिक, जो कि इस टाइम पर दिन होना तो काफ़ी अच्छी पिक आई थी, अब तो अच्छी नहीं आ रही है। और गाइस अब ये ख़त्म हो चुका है, जो भी था सब कुछ पीछे रह गया है। और आप लोग बहुत ज़्यादा थक जाएँ यहाँ चल चल के, तो यहाँ बैठ के आप कुछ खा भी सकते हैं। ये शायद इसीलिए बनाए गए क्योंकि पहले नहीं थे ना, ये पहले कुछ भी नहीं था जब हम आए थे, लगभग 3 साल पहले, नहीं 3 साल कहाँ, कम से कम 4-5 साल पहले की बात है। 4-5 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इसी वजह से मेरा नाम पड़ गया था कंजूस। मैं यहाँ रखा था क्योंकि मैंने उसको कुछ खिलाया नहीं था ना, बस मोमोज खिलाए थे, वो उसने खाए नहीं थे और कुछ सही नहीं यार, सही बताऊं तो यहाँ पे खाने का। ये तो अब चीज़ें खुल गई हैं। तो गाइस हम आए थे यहाँ सुल्तान पे खाना खाने के लिए, तो ये हमारे सब्सक्राइबर मिले यहाँ पे। और ये छोटा सा भी बोलो क्या नाम है आपका, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, क्या नाम है आपका, मिनाहिल, मिनाहिल, मिनाहिल। और ये छोटे सब्सक्राइबर बहुत बहुत थैंक यू आपका, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस ये सब हीना के बहुत पसंद करते हैं और ये अचानक से मिल गए, आइसक्रीम खा रहे थे और हम लोग भी आइसक्रीम खा रहे आए थे, अब यही लोग हम सारे लोग देखते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर, और जेन्युइन बताऊं तो आज इतना अच्छा नहीं लगा, वहाँ जाके मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी आपके लिए हमने थोड़ा सा व्लॉग बनाया। लेकिन जो लास्ट में हमारे सब्सक्राइबर मिले तो उनसे मिलके काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था, सारा मूड चेंज हो गया, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। हाँ और मुझे पता है वो देखेंगे, तो उनको उस समय पे हमने बोला नहीं कुछ क्योंकि हमें शर्म आ रही थी, लेकिन आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप इतना सपोर्ट करते हो और इतने अच्छे से बात करते हो, उसका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है हम दोनों की तरफ से। इंशाल्लाह अम्मी आएंगे तो उनसे भी बोलेंगे हम, तो थैंक यू सो मच आप सबका। लव स्टोरी व्लॉग हम अभी अपलोड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अम्मी गई हुई है गाँव, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो अम्मी की उसमें इंक्लूड होगी, तो हम चाहते हैं कुछ चीज़ें अम्मी अपने मुँह से बताएं कि क्या वो फील कर रही थी उस समय पर, तो इस वजह से हम अभी थोड़ा डिले कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डालेंगे नहीं, हम डालेंगे इंशाल्लाह 1 से 1.5 हफ्ते में हम डाल देंगे जो वेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको हमारे इन वीडियो को भी सपोर्ट करना है, जो हम व्लॉग आपके लिए बना रहे हैं उसको भी सपोर्ट करो। जब आप इसको सपोर्ट करोगे तभी तो हम डालेंगे ना आगे अच्छी अच्छी वीडियो जो लव स्टोरी की है, नहीं तो हमें कैसे लगेगा ना कि आप इंटरेस्ट ही नहीं हो, फिर कैसे बनाएंगे, तो अपना इंटरेस्ट दिखाओ। के बाद में इंशाल्लाह इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द डाल दें, ठीक है। तो अब ये व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।